ओवरऑल जो एमएसएमई है या हम अपने पंजाब की बात करें तो एक्सपेक्टेशंस थी कि जीएसटी पे कुछ बात होएगा या कुछ और सहूलतें दी जाएंगी। गवर्नमेंट ने किया कुछ नहीं है, एकदम नॉर्मल सा बजट दिया है इलेक्शनों के चलते हुए। जैसे वैसे तो हर सेक्टर को मैं उन्होंने टच किया है, बट एमएसएमई को भी उन्होंने बिल्कुल भी टच नहीं किया है। कोई एक्सपोर्ट के लिए टैक्स रिबेट नहीं है, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। और हाँ, मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग बनाएंगे, ये सब बातें हैं, अदरवाइज बजट में मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। एक इंटरिम बजट था, उम्मीद तो हर बजट में बहुत होती है। हम अब इतने मैच्योर तो हैं कि इंटरिम बजट में थोड़ी उम्मीद को भी न्यूट्रलाइज रखें। काफ़ी पुरानी जो स्कीम्स चल रही हैं या बजटिंग में मॉड्यूल्स हैं उसकी डिस्कशन हुई, बेरवा दिया मैडम सीतारमन ने, और कुछ नई चीज़ें मोस्टली इंक्लाइंड जो हैं जो विमेन एम्पावरमेंट रूरल डेवलपमेंट के ऊपर उन्होंने कुछ नई चीज़ें बताई हैं। सोलर एनर्जी पे एक स्कीम आई है। ओवरऑल जो एमएसएमई है या हम अपने पंजाब की बात करें तो एक्सपेक्टेशंस थी कि जीएसटी पे कुछ बात होएगा या कुछ और सहूलतें दी जाएंगी या इंपोर्ट ड्यूटी पे कोई बात होएगी स्पेशली चाइना, वो नहीं हुआ। ब्लैंड था, न्यूट्रल था वहाँ पे, तो आई वुड से मिक्स इमोशन रहेंगी। कुछ थोड़ा डिसअपॉइंटिंग भी रहेगा, कुछ ये भी है कि जो अच्छी स्कीमें चल रही हैं, बट एमएसएमई के लिए आई थिंक बजट न्यूट्रल था, ब्लैंड था, तो जो एक्सपेक्टेशन थी स्पेसिफिक वो कोई अनाउंसमेंट नहीं है। पर गवर्नमेंट ने किया कुछ नहीं है, एकदम नॉर्मल सा बजट दिया है इलेक्शनों के चलते हुए। जैसे वैसे तो हर सेक्टर को मैं उन्होंने टच किया है, बट एमएसएमई को भी उन्होंने बिल्कुल भी टच नहीं किया है। जी, तो अभी क्या लगता है आपको, कोई टैक्स में कुछ ऐसा नहीं किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया है। हाँ, लगता तो था, बट वही हर बात घूम घुमा के इसी पे आती है कि अपना इलेक्शंस की वजह से उन्होंने बिल्कुल ही एक ब्लैंड सा बजट दे दिया है। तो कितने नंबर दे सकते हैं आप? नंबर 5 देंगे आउट ऑफ 10। 50%, क्योंकि उन्होंने थोड़ा थोड़ा हर सेक्टर को टच किया है, बट पता नहीं क्यों एमएसएमई को बिल्कुल ही नहीं टच किया है। इम्पोर्ट ड्यूटी लगानी चाहिए थी जो चाइना पे, उसको बिल्कुल ही नहीं उन्होंने कहा और कुछ भी नहीं किया है। मैं एमएसएमई के लिए तो बिल्कुल ही फ्लैट है, कुछ भी नहीं है। मेन इन्होंने जो प्रेशर दिया है वो वुमेन पे और रूरल एंटरप्रेन्योर पे दिया है, और कुछ इन्होंने कहा 2 करोड़ जो हाउसेज बनाने हैं इन्होंने नेक्स्ट 5 ईयर्स में, और सब मेडिकल कॉलेज बनाने हैं, ये सब मतलब इन्होंने प्रोजेक्शन दिया है। कोई सॉलिड काम तो नहीं है इसके अंदर बजट में। जैसे लुधियाना साइकिल और हाउसिंग के लिए जाना जाता है, तो लगता है साइकिल और हाउसिंग इंडस्ट्री को कुछ उम्मीद रखी हो? तो उम्मीद, एक देखिए साइकिल है, हाउजरी है, सब समाज के लिए माइक्रो यूनिट्स है। तो एमएसएमई के लिए तो मैंने पहले बोल दिया बिल्कुल फ्लैट है, इसमें कुछ भी नहीं है। मोर ओवर कोई इन्होंने स्लैब चेंज नहीं की है इम्पोर्ट की, या कोई जीएसटी पे के एडम बहुत ज्यादा इम्प्रूव नहीं किया, कोई एक्सपोर्ट के लिए टैक्स रिबेट नहीं है, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। और हाँ, मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग बनाएंगे, ये सब बातें हैं, अदरवाइज बजट में मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। आप लोग इम्पोर्ट ड्यूटी पे, आप इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने पे जोर दे रहे हैं कि हमें बाई रेशों से माल आता है, हमें घाटा पड़ता है, तो उसको लेकर क्या? हाँ, वो देखो जी, जो हमारे समाज के यूनिट्स में या हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो रॉ मटेरियल लगते हैं उसमें अगर कुछ इम्पोर्ट ड्यूटी घट जाए, या एमएसएमई को और किसी किस्म की अपग्रेडेशन के लिए या कोई टैक्स बेनिफिट कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन एनी हाउ अभी तो ये अंतिम बजट है और इसमें तो हमें तो कुछ भी नजर नहीं आया, एमएसएमई के लिए तो कुछ भी नजर नहीं आया। लगता है कि कुछ जैसे कि उम्मीदें हैं, कुछ क्यों है? देखिए अभी ये 24 जो है ये इलेक्शन ईयर है, तो जो ये अपनी फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये तो अपनी सरकार के बारे में हम ये करेंगे हम वो करेंगे, इनकम रेट 50% बढ़ जाएगी, हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा। ये इनका जो वो है 7.1% हो जाएगा, वो क्या बोलते हैं जीडीपी हो जाएगा, मेरे हिसाब से 3-4% को 5-6% प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसमें भी झूठ ही है। बाकी देखो क्या होगा अभी तो कुछ नहीं कह सकते।